तो बीटॉक के एक और एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस में मैं आपको हमेशा की तरह ही आईएसएल और इंडियन फुटबॉल से जुड़े कुछ नया और इम्पोर्टेंट अपडेट देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से इतना ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। ऑल नोटिफिकेशन अगर ऑन नहीं है आपके पास तो भाई आपको नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा और आप लोग वीडियो नहीं देख पाएंगे। इतना ज़्यादा मैं मेहनत कर रहा हूं लेकिन भाई व्यूज नहीं आ रहा है, तो आप लोगों से ज़्यादा मेरा रिक्वेस्ट है कि अनसब्सक्राइब करके फिर से सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आपको फटाफट नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ। तो आज हमारा पहला अपडेट आ रहा है ओडिशा एफसी की तरफ से। ओडिशा एफसी ने कल ही एकदम ऑफिशियली जैकब ट्राट का साइनिंग घोषणा कर दिया है, जो कि ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करता है। उम्र है 25 साल, 25 ईयर्स, मेन पोजीशन है इनका राइट बैक। इनके बारे में इससे पहले मुझे कुछ भी रूमर्स पता नहीं चला था, डायरेक्ट यहाँ पर साइन देखने को मिल रहा है ओडिशा एफसी की तरफ से जैकब ट्राट। तो भाई जैकब ट्राट सबसे पहले न्यूजीलैंड प्रीमियर लीग में खेला था साउथलैंड शार्क एफसी की तरफ से, उसके बाद ए लीग में आया, सिडनी एफसी की तरफ से खेला, वेलिंगटन फिनिक्स की तरफ से खेला और लास्ट टाइम ये खेल रहा था पार्थ ग्लोरी के साथ। और उसके बाद पूरी तरीके से अब वो शिफ्ट हो चुका है ओडिशा एफसी की टीम में और बहुत उम्दा खिलाड़ी है भाई। डिफेंसिव लाइन में बहुत ही इनका अच्छा योगदान रहता है और मुझे लग रहा है कि ओडिशा एफसी का डिफेंस लाइन ट्राट को साइन करने के बाद और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है। लास्ट में एक और बॉम्ब फटने वाला मैं आपको न्यूज़ दूंगा ओडिशा एफसी का, उसके लिए वेट कीजिए। बीच में हम और कुछ अपडेट कवर कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट आ रहा है आई लीग सेकंड डिवीजन की तरफ से। तो भाई आई लीग सेकंड डिवीजन का फाइनल राउंड खेला जा सकता है 8 नवंबर से, ऐसा हमें पता चल रहा है, क्योंकि पूरा चीज़ यहाँ पर ख़त्म करना पड़ेगा AIFF को दुर्गा पूजा से पहले। इसीलिए 8 अक्टूबर से आई लीग का सेकेंड डिवीजन के फाइनल राउंड हो सकता है, इस तरह का ही अपडेट हमें सुनाई दे रहा है। अभी तक ऑफिशियल नहीं हुआ है, जब ऑफिशियल हो जाएगा मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करूंगा। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट आ रहा है केरला ब्लास्टर एफसी की तरफ से। तो केरला ब्लास्टर एफसी ने एक और नया यंग टैलेंट को साइन कर लिया है जिनका नाम है केनस्टर खरसंग। इनके बारे में उतना ज़्यादा डिटेल्स मुझे पता नहीं है, लेकिन मल्टी ईयर का डील इनके साथ साइन हुआ है। उम्र है इनका 21 साल, 21 ईयर, सेंटर बैक इनका मेन पोजीशन है। इससे पहले आई लीग के शिलोंग लाजोंग की तरफ से खेल रहा था, केरला ब्लास्टर एफसी के रिजर्व टीम का खिलाड़ी है और अब वो मेन टीम में आ चुका है। खेल नाव के हवाले से हमें ऐसा पता चल गया है। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट भी आ रहा है केरला ब्लास्टर एफसी की तरफ से, एक बहुत ही बड़ा अपडेट है, क्योंकि केरला ब्लास्टर एफसी ने उगबेचे के रिप्लेसमेंट साइन कर लिया है, जो कि भाई गैरी हॉपर। थोड़ा बहुत कॉन्ट्रैक्ट को लेकर नेगोशिएशन चल रहा था, एक 15 लाख के अमाउंट का डिफरेंस था दोनों के बीच, लेकिन सब कुछ सॉल्ट आउट हो चुका है और गैरी हॉपर एक साल का डील साइन कर लिया है केरला ब्लास्टर एफसी के साथ। इंग्लैंड से बिलोंग करता है, उम्र है 32 साल, 32 ईयर्स ओल्ड, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक स्ट्राइकर के तरह खेलता है और एक स्ट्राइकर ही है भाई, उगबेचे का रिप्लेसमेंट है यानी कि एक स्ट्राइकर है। तो गैरी हॉपर भाई केरला ब्लास्टर एफसी में साइन हो चुका है, सिर्फ ऑफिशियल अनाउंसमेंट बाकी है, बहुत जल्दी आपको ऑफिशियली इस चीज़ के बारे में पता चल जाएगा। लेकिन हम तक खबर पहुंच चुका है कि गैरी हॉपर साइन कर लिया है केरला ब्लास्टर एफसी के कॉन्ट्रैक्ट को एक साल के लिए। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट आ रहा है एटीके मोहन बागान की तरफ से, एक बहुत ही बड़ा साइनिंग भाई ऑफिशियल हो चुका है। हमें रूमर्स के बारे में पता था लेकिन ऑफिशियल नहीं हो रहा था, कन्फर्म नहीं हो रहा था, और भाई आज एटीके मोहन बागान ने तिरी का साइनिंग घोषणा कर दिया है ऑफिशियली। आप लोग जाकर चेकआउट कर सकते हो। कल ही भाई तिरी ने हमें हिंट दे दिया था कि उनका जो साइनिंग है वो कुछ ही देर में घोषणा होने वाला है, कुछ ही घंटों में घोषणा होने वाला है, और 24 घंटे के अंदर ही अंदर तिरी का साइनिंग कंप्लीट हो चुका है एटीके मोहन बागान में। कंप्लीट तो बहुत दिन पहले ही हो गया था लेकिन ऑफिशियल हो चुका है। तो तिरी अपना जर्नी भाई कंटिन्यू करने जा रहा है अब एटीके मोहन बागान के साथ और इंडिया में आईएसएल में ही। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट आ रहा है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी की तरफ से। तो भाई नॉर्थ यूनाइटेड एफसी ऑल सेट टू साइन खसा कमारा। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि गल्लेगो को नॉर्थ यूनाइटेड एफसी ने रिटर्न कर लिया है और एक और विदेशी खिलाड़ी को वो साइन करने जा रहा है अपने स्क्वाड में, जिसका नाम है भाई खसा कमारा। ये बिलोंग करता है मॉरिटानिया की तरफ से, उम्र है 27 साल, 27 ईयर्स ओल्ड, मेन पोजीशन है भाई डिफेंसिव मिडफील्ड, यानी कि लॉडो के रिप्लेसमेंट ये हो सकता है, लेकिन उम्र बहुत ही कम है भाई। आगे जाकर नॉर्थ यूनाइटेड एफसी का फ्यूचर भी बन सकता है अगर हेड कोच ठीक ठाक इनको मैनेज कर पाता है तो। और अगर खसा कमारी की करियर को देखा जाए तो उतना ज़्यादा क्लबों की तरफ से तो नहीं खेला है, लेकिन फिर भी फ्रांस में जाकर खेला है उन्होंने सेकंड डिवीजन में, उसके बाद ग्रीक में जाकर खेला है फ्रांस के ट्रोएस ACB की तरफ से इन्होंने खेला है और मेन टीम की तरफ से भी खेला है जो कि सेकेंड डिवीजन लीग में खेलता है।
और उनका लास्ट क्लब था ग्रीक के जाथी एफसी, और उसके बाद यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है जो कि भाई नॉर्थ यूनाइटेड एफसी उनका नेक्स्ट क्लब होने वाला है। तो भाई कसक हमारा किस तरह का खिलाड़ी है उतना क्वालिटी मुझे पता नहीं है, लेकिन उनके स्टैट देखकर मैं आपको बता सकता हूँ कि अच्छा खिलाड़ी साबित होगा अगर कोच उनको ठीक ठाक यूज करता है। तो आप लोग भी चेकआउट कर सकते हो, गूगल में जाकर आप लोग चेकआउट कर लीजिए इस खिलाड़ी के बारे में। मुझे बस इतना ही पता था इसके बारे में तो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद नेक्स्ट और इस वीडियो का लास्ट अपडेट आ रहा है ओडिशा एफसी की तरफ से। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक बॉम्ब फोड़ने वाला न्यूज है ओडिशा एफसी की तरफ से। तो कल जब भाई ट्रैक का साइनिंग घोषणा हुआ उसके तुरंत बाद ही एक और हिंट हमें दे दिया है ओडिशा एफसी ने कि उनका नेक्स्ट साइनिंग कौन हो सकता है। तो पूरा जो मैं चीज़ यहाँ पर पढ़ा तो भाई लास्ट में एक नंबर दिखा है आपको, देखिए 24 नंबर 24। तो 24 नंबर जर्सी भाई लास्ट सीजन पहन रहा था मैनुअल ओनू, और भाई यहाँ पर हम लोग स्पेकुलेट कर सकते हैं कि मैनुअल ओनू को रिटर्न करने जा रहा है ओडिशा एफसी, जो कि एक बहुत ही दमदार और बॉम्ब फोड़ने वाला चीज़ है ओडिशा एफसी के फैनों के लिए। अगर मैनुअल ओनू रिटर्न हो जाता है तो भाई एक बहुत ही अच्छा साइनिंग साबित होगा फिर से। वो लास्ट सीजन बैंगलोर एफसी से वो भाई लोन में आया था ओडिशा एफसी में, उतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था बैंगलोर एफसी की तरफ से, लेकिन जैसे ही भाई वो ओडिशा एफसी में शिफ्ट हुआ उसके बाद हैट्रिक किया, 7 गोल लगाया, 3 असिस्ट किया ओडिशा एफसी में, और क्या उभर के आया था उनका परफॉर्मेंस, और फैन फेवरेट खिलाड़ी भी बन गया था ओडिशा एफसी का। और उसी फैन फेवरेट खिलाड़ी को भाई ओडिशा एफसी शायद रिटर्न करने जा रहा है, अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आया है, लेकिन 24 जो नंबर है भाई वहां से हम लोग स्पेकुलेट करके आपको बता सकते हैं कि मैनुअल ओनू ही रिटर्न होने जा रहा है ओडिशा एफसी की टीम में। आप लोग कितना ज़्यादा एक्साइटेड हो फिर से मैनुअल ओनू को ओडिशा एफसी के जर्सी में देखने के लिए, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में इतना ही, आपको बहुत बहुत शुक्रिया टाइम निकाल के इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस तरह की इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में पता चले। और अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको फटाफट नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ।